नमस्कार दोस्तों, मैं मलविंदर कौर नेचर गार्डन से। आज जो मेरा बहुत ही प्यारा और सबका ही प्यारा होता है फेवरेट प्लांट है, जो वो एरिका पाम है, तो इसके बारे में आज मैं अपने जो व्यूज़ हैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इनडोर प्लांट है ये, और एयर प्योरीफाई प्लांट है ये, और बहुत ही ये खूबसूरत भी लगता है। हम इसे इनडोर भी रख सकते हैं, तो घर में ये होना बहुत ही ज़रूरी है। सबका ही फेवरेट है, तो हम इसे ज़रूर अपने घर में ग्रो करते हैं। तो आज हम जो है इसके बारे में अपने व्यूज़ जो मैं अपने शेयर करूंगी आपके साथ। सबसे पहले तो हम केयर में इसकी जो है सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। हम इसकी जो एरिका पाम की सॉइल लगाते टाइम कैसी लेनी है। सॉइल में जो हम लेते हैं, गार्डन सॉइल लेते हैं, थोड़ा सैंड लेते हैं, और इसके अलावा बोन मील लेते हैं, नीम खली लेते हैं, और थोड़ा सा इसमें जो हम कोकोपीट भी मैं इसमें डालती हूँ। थोड़ा सा जब मैं लगाया था इसे कोकोपीट भी डाला था मैंने, क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो थोड़ा इसे मॉइस्ट रखना भी ज़रूरी है। तो ये मेरी जो सॉइल है, सॉइल बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए फ्रेंड्स। मैं हमेशा ही कहती हूँ वेल ड्रेन्ड, जो जिसमें पानी झट से डाला और नीचे से निकल गया। तो बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल और पोर्स रिच सॉइल जो है हम इसके लिए बनाते हैं, तो वो होनी चाहिए। और सेकंड जो है इसके हम वाटर की बात करेंगे। इसके लिए जो है वाटर कैसे लेना है, हमें देना है इसे डेली वाटर। इसे हमें अपने रेगुलर रूटीन में डेली देना है, और जब हमें लगे कि इसकी जो सॉइल है ऊपर से थोड़ी ड्राई है, तो हम दूसरी बार भी मैं दे देती हूँ इसे। तो बहुत ही ये मेरा पुराना प्लांट हो चुका है, और हमने इसको पानी जो है देख करके देना है। मॉइस्ट लविंग प्लांट है, और ये मिस्टिंग बहुत पसंद करता है, तो हम इसे मिस्टिंग भी कर सकते हैं। इंडोर रखेंगे तो इसके लिए मिस्टिंग बहुत ज़रूरी है, और ये नहीं कि इंडोर रखा तो इसे हमें थोड़ी बाहर ही निकाला, बाहर निकालना भी इसे बहुत ज़रूरी है थोड़े दिन के लिए। बहुत अच्छा प्लांट होता है, एयर प्योरीफाई प्लांट है, इसलिए हम इसे इंडोर जो है ज़रूर रखते हैं। और एयर प्योरीफाई प्लांट है ये, तो ये ऑक्सीजन जो है अपटेक करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ करता है, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसीलिए हम इस प्लांट को आप अंदर रखते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल प्लांट है। तो ये एरिका पाम है, गुड फॉर अस, क्योंकि ये हमें शुद्ध हवा देता है, तो हमारे जो क्लाइमेट को है बिल्कुल अच्छा बना के रखता है। तो सेकंड बात करेंगे हम इसकी जो सनलाइट हमें इसे कैसे देनी है फ्रेंड्स। इसे पार्शियल शेड एरिया में हम रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो जो इसकी लीव्स हैं वो ऐसे थोड़ी टिप से बर्न हो जाएंगी। तो हम इसे पार्शियल शेड एरिया में रखेंगे, तो जहाँ पे इनडायरेक्टली जो है इसको सनलाइट मिले। थोड़ी बहुत तो धूप देखो हर प्लांट को चाहिए है, क्योंकि वो अपना फूड है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा लेता है रोशनी से। तो हर कोई प्लांट है उसे थोड़ी बहुत धूप तो चाहिए होती है। अगर हम इसे अंदर भी रखते हैं तो थोड़ा बाहर ज़रूर निकालेंगे इसको रोशनी के लिए। और अगली जो हमारी नेक्स्ट है वो हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र जो है हमें इसे कैसे देना है, काउडंग मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट, ये इसके लिए बहुत ही अच्छे हैं दोनों। तो हम इसे लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, कुछ दिन इसे भिगो कर रखेंगे तो वो दे सकते हैं लिक्विड, और या थोड़ा बहुत हम इसे अपने जो किचन वेस्ट हमारे निकलते हैं तो उसमें से भी दे सकते हैं। तो 15-20 दिन के बाद जो हमारा कुछ ना कुछ लिक्विड तो निकलता ही है, तो हमें वो भी हमें इसको देते रहते हैं। तो इससे ये हमारा प्लांट है जो बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा, और बुशी भी होगा, अच्छी इसकी जो ग्रोथ होगी। तो बहुत ही इसका जो हमने ख्याल रखना है वो। और अगला है जो अगर हम इसको वाटर ओवर वाटरिंग कर देंगे या फिर अंडर वाटरिंग करेंगे, तो ये जो है प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा।
इसे हमने जो है अगर ओवर फर्टिलाइज़र भी कर दिया, ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग भी रह गया, तो जो है हमारा ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो इसे हमें बहुत ही ध्यान से रखना है। तो इसके ऊपर जो अब बात करते हैं, पेस्ट, पेस्ट का अटैक होता है इस पर, तो इस पर मिलीबग इसके लीव्स के ऊपर लग जाते हैं कई बार, तो इसका हमें खास ध्यान रखना है, देखते रहना है। वैसे मेरे प्लांट पे कभी कोई भी किसी भी इंसेक्ट या पेस्ट का कोई भी मुझे देखने को नहीं मिला है। ये मेरे पास बहुत ही सालों से है मेरा प्लांट, तो ये मेरा बहुत बड़ा प्लांट हो चुका है, ये मेरे कैमरा में भी कैप्चर नहीं हो रहा। तो इसका जो हम एज का पता करना हो, तो हम इसके नीचे ट्रंक से पता करेंगे, इसकी जो नीचे से ब्रांचेस निकल रही हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा कितना पुराना प्लांट है। और ये अब मेरा जो प्लांट है, तो इसे दूसरे गमले की भी ज़रूरत है। ये मैंने 16 इंच के गमले में लगा रखा है, और भारी भी इतना है कि इसको उठाना ही बहुत दिक्कत वाली बात हो चुकी है। तो इसकी अगली बात करते हैं हम प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन है इसकी, बाय डिवीज़न भी होती है। ये हमारी न्यू जब शूट्स निकलते हैं, तो इसके द्वारा भी हम इसकी जो है प्रोपोगेशन कर सकते हैं। इसको अलग करते रहेंगे तो हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। सेकंड जो है हमारा प्रोपोगेट करने का, इसका मेथड बाय सीड्स भी कर सकते हैं। और जो सीड्स होते हैं फ्रेंड्स, वो हम जब सॉइल में लगाते हैं, अपनी धरती पे लगाते हैं प्लांट को, तो बहुत बड़े प्लांट हो जाते हैं वो। तो उसके ऊपर जो हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं, तब उसके जो हैं सीड्स बनते रहते हैं। तो सीड्स के द्वारा हम उन सीड्स को ग्रो करके फिर जो है ये अपना प्लांट को हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये हर घर में मेरे ख्याल से तो ये प्लांट होना चाहिए, एयर प्योरीफाई प्लांट है। तो अच्छे अच्छे हमें इसकी देखने को जो लीव्स ही मिलते हैं, इतना बड़ा हो चुका है ये, बहुत ही मेरा पुराना प्लांट है और बहुत ही घना भी हो चुका है। कई बार मैं सोचती हूँ कि इसी में अलग करके थोड़े थोड़े इसमें से कुछ अपने जो हैं निकाल के और प्लांट बनाने की कोशिश करूं, लेकिन कई बार डर लगता है कि कहीं मैं डिवाइड करते करते ये अपना प्लांट है जो खो भी ना दूं। तो बहुत ध्यान से दोस्तों, अगर आपके पास है तो इसे बड़े ध्यान से आपने प्रोपोगेट करना है, और अच्छे से इसे फर्टिलाइज़ करना है। आफ्टर 6 मंथ जो हम हमेशा खाद देते रहते हैं फरवरी में और सितंबर में, वैसे इसे भी हमें खाद देते रहना चाहिए। तो इसकी मिस्टिंग करते रहना चाहिए, तो इसकी जो लीव्स हैं हरी भरी बनी रहेंगी। और ये प्लांट थोड़ा मेरा धूप में, जहाँ पे एक आधे घंटे 1.5 घंटे की धूप लगती है, वहाँ प्लांट ये मेरा हमेशा रहता है। तो इसकी थोड़ी थोड़ी जो लीव्स हैं, और थोड़ी थोड़ी सी कई बीच में हैं, तो थोड़ी थोड़ी बर्न हो चुकी हैं, लेकिन ये इतना भारी हो चुका है कि उठा के अंदर रखना भी बड़ी दिक्कत वाली बात है, इसलिए ये मेरा प्लांट वहीं पड़ा रहता है। लेकिन इतनी तो चलो धूप भी मिलनी चाहिए इसे। ये देखो न्यू शूट्स इसके बहुत सारे निकलते रहते हैं, और इतना बड़ा और घना प्लांट हो चुका है। आप इसे लगाइए, बहुत ही प्यारा प्लांट है ये, तो फेवरेट सबका भी होगा, मेरा तो फेवरेट प्लांट है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सब्सक्राइब करने से ये है कि इससे मोटिवेशन जो हमें मिलता है न्यू वीडियोस बनाने का, तो आप मेरे साथ जुड़े होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं और नई वीडियो बनाऊंगी और अपने प्लांट्स हैं सारे अपने शेयर करूंगी आपके साथ। इतना ही मेरा इस प्लांट के बारे में, जो मुझे जब से मैंने लगाया है इतना मेरा एक्सपीरियंस था इस प्लांट के बारे में, मैंने आपसे व्यूज शेयर करे हैं। तो अगर आपको पसंद है दोस्तों मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छे अच्छे प्लांट जो है लगाते रहिएगा अपने घर में, इंडोर रखिएगा इसे। तो इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलूंगी मैं। नमस्कार जी, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, बाय बाय।